सीन ऐसा है कि मैंने प्लान किया कि मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ ना दिखाऊं, ऐसी हर कंट्री में होती हैं वो, बट मैं जब से आया हूँ ये साले इतना क्या बोलूँ इनको, इतने मतलब क्या मतलब मेरे मुंह से ना अल्फाज नहीं निकल रहा। मैंने चाहता किसी कंट्री की कुछ ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाऊं, पर हर चीज़ में पैसा 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 हर चीज़ में। इवन के यहाँ पर मैं कैमरा निकाला तो कैमरे के लिए जो है ना दो गार्ड अलग से, मतलब काफ़ी देर से ट्रेस कर रहे पीछे पीछे पीछे, मुझे लगा कि शायद वो कैमरा छीनने वीनने के चक्कर में लगे हैं। फिर उसके बाद प्लान ये हुआ कि वो अचानक से मेरे पास आ गए और आकर बोल रहे कि यार तुम कैमरा लेकर आओगे, तुमने इसकी पेमेंट किया, कैमरा मेरा, चीज़ें मेरी, कंटेंट बनाने के लिए मुझे इनको पैसे देने हैं क्योंकि मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ बुलशिट। आफ्टर बड़ी जद्दोजहद के बाद पार्किंग एरिया में पहुंच गए और गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर पार्क कर दी हमने। सो अब टिकट वाला सेशन आ गया, टिकट वाला सेशन, टिकट लेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे हम अपने लैंडमार्क पे। ओके, ये प्लेस है, यो बाबा यो। और जो है ना बाकी वीडियो के लिए माजरत भाई, ऑनलाइन जो है वो टिकट बुक करा ली है, वो बुक कराने के बाद इस तरीके का बैंड बांधता है भाई बंदा, और ये बैंड जो है वो नीचे तक चल रहा है। भाई कैसा लग रहा है बैंड पहनते हुए? अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ, आओ, लेट्स गो। तो थैंक यू। सो अभी जो है ना वो प्लान ये कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ से जाना है। तो अब हम जा रहे हैं बस। सो भाई सिनेरियो ऐसा है कि लैंडमार्क आ गए और लेट्स गो इनसाइड। अभी बस यही प्लान करेंगे हम के अंदर जाके देखते हैं, ये इसी एंट्रेंस, और कोशिश करूँगा कि पूरा घुमाऊँ, पर अभी चलते हैं पहले बीच साइड चलेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और भाई मज़े तो बहुत आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कुछ थोड़ा सा यूनिक है। कोशिश करूँगा कि जो दिखा सकता हूँ दिखाऊँगा, जो काट सकता हूँ वो काट दूँगा। हमारे बंदे कहाँ रह गए, वो अभी अपनी तस्वीरों में लगे हुए, हम चलते हैं अपना आगे। और ये आपको जो स्टार नज़र आ रहा है ना, जो स्टार नज़र आ रहा है ये है नाइजीरिया लैगोस, और बीच का नाम है लैंडमार्क, और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। एक दफ़ा मैं पहले विज़िट किया था लेकिन काफ़ी लेट हो गया, तो इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं इस दफ़ा डे में आऊँ और इसको विज़िट करूँ। और मैंने तकरीबन जो है वो काफ़ी सारे बीचेस घूमे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रेंड ही दूसरा है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ट्रेंड है, हम इसको नेक्स्ट लेवल ट्रेंड ही समझेंगे। तो अभी चलते हैं हम पहले बीच की साइड, और उसके बाद बीच के बाद जो है वो दूसरी साइड जाएंगे, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नज़र आएंगी कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो वी विल एक्सप्लोर दिस। ओके, सो लेट्स गो टू बीच। और मुझे उम्मीद है कि इस ब्लॉग में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्राउड आप देख रहे हो, क्राउड कितना ज़्यादा है, और मज़ा भी फिर वैसा ही है हमारे पास क्राउड में। लेकिन बस ये चीज़ है कि यार वो फैमिली ब्लॉग वाला चक्कर है ना, वो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि कितनी चीज़ें काटेंगे कितना कहाँ तक। एनीवे लेट्स सी, हम समंदर तक तो चलते हैं ना। वैसे आई थिंक वी कैन मेक वीडियो, काफ़ी ओके।
चलते हैं हम बीच साइड। आ जाओ वलीद। और हमारे साथ वलीद भाई भी हैं। वलीद भाई, हम तासुरात बताएं, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? मज़ा अब लग रहा है फ़ौरन आए हुए तो इसको पहले तो मज़ा नहीं आ रहा था कि फ़ौरन आया हुआ नहीं आया हुआ, पर मैंने प्लान किया कि ये फ़ौरन आया हुआ है, तो लेट्स सी। और इसके बराबर में ना मैं पहले भी आ चुका हूँ ओनीरो बीच की, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसके बराबर में ओनीरो बीच है। और चलते हैं उस तरफ, चलते हैं थोड़ा। हमारे पास वापस तो जेट्स की भी जा रही है, देखिए जेट्स की भी जा रही है यहाँ पर। और मैं बाद में ना रात में थोड़ा वाला मंदिर दिखाऊंगा, वो मंदिर थोड़े से और थोड़ा यूनिक है, तो वो भी थोड़ा सा पहले मैं ये वाला हिस्सा घूम लें सारा हम लोग, उसके बाद फिर वाला हिस्सा घुमाएंगे। वहाँ पे थोड़े से पूल्स वगैरह हैं और कुछ पार्टी शार्टी हो रही होती है सिलसिला, तो वो चीज़ घुमाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही देख लो छोटे मोटे, ये जुमेरा बीच वाला मज़ा तो नहीं है, लेकिन ये कि बीच तो बीच है बस ये। और लोग बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर, और मज़े भी बहुत ज़्यादा हैं, बस इन्जॉय करेंगे हम बहुत ज़्यादा। हमारा प्लान तो यही है, बाकी देखते हैं कि जेट्स की वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है। और ये लोग खेलने कूदने के बड़े शौकीन हैं, और दिस इज़ वेरी गुड प्लेस, आई लव इट। और आगे जो है ना वो सिलसिला सोलर सिनेरियो ऐसा भी है कि यहाँ पे कुछ नए सिनेरियो, लेट्स सी, देखते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल हाउस ऑन बीच, और यहाँ पर वही सारा सिनेरियो हो रहा है, ये रस्ता कुत्ते वाला गेम जैसे हम लोग खेलते हैं ना अक्सर सीवीओ पे। तो इन लोगों की सबसे, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, दे ऑलवेज मेक फन एंड आई लव देम। सो लेट्स सी, दिस इज़ टीम ए, दिस इज़ टीम बी, सो हु विल विन, लेट्स सी। अभी यहाँ पे सारी एक साइड पे जो है वो वुमेन पावर एंड अनदर साइड इज़ अ मैन पावर, यू कैन सी। सो लेट्स स्टार्ट, वुमेन पावर, वुमेन पावर बाबा, वुमेन पावर, लुक वुमेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वुमेन इज स्ट्रॉन्ग, बट वुमेन्स आर फॉल डाउन, दे लॉस, बट यहाँ की वुमेन इज मोर पावरफुल देन मैन, आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी, ये हो गया आज का खेल, हो गया खत्म, हम चलते हैं आगे, आगे क्या चीज़ें चल रही हैं वो देखते हैं। भाई इतनी दूर से जो है वहाँ से सवारी करते करते यहाँ तक आए कि बोर्ड पर बैठेंगे, मगर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि समझ में नहीं आ रहा। खैर थोड़ा बहुत और देखते हैं आगे जाके, अगर मिल गया मौका तो ठीक होगा। कंट्री में होती हैं वो, बट मैं जब से आया हूँ ये साले इतना क्या बोलें इनको, इतने मतलब क्या मतलब मेरे मुँह से ना अल्फाज नहीं निकल रहा। मैंने ज़्यादा किसी कंट्री की कुछ ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाऊं, पर हर चीज़ में पैसा 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 हर चीज़ में। इवन के यहाँ पर मैं कैमरा निकाला तो कैमरे के लिए जो है ना दो गार्ड अलग से, मतलब काफ़ी देर से ट्रेस कर रहे पीछे पीछे पीछे, मुझे लगा शायद वो कैमरा छीनने वीनने के चक्कर में लगे हैं। फिर उसके बाद प्लान ये हुआ कि वो अचानक से मेरे पास आ गए और आकर बोल रहे हैं कि यार तुम कैमरा लेकर आओगे, तुमने इसकी पेमेंट, ये कैमरा मेरा, चीज़ें मेरी, कंटेंट बनाने के लिए मुझे इनको पैसे देने हैं क्योंकि मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ बुलशिट। सो सारा मूड ख़राब कर दिया, लेकिन फिर भी अगर मैं आया इन लोगों के लिए थोड़ी था, मैं तो अपने कॉन्टेंट के लिए आया था, तो मैं अपना कॉन्टेंट बनाऊँगा, लेकिन उन्होंने मूड ख़राब कर दिया सारा स्टार्ट में। सो आई डोंट नो हाउ द पीपल आर दिस, लेट्स इग्नोर एंड हम कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग को। लेट्स सी, ये बंदा हमारे साथ है आइज़िक, से हेलो टू माय ऑडियंस। हेलो हेलो, ये बंदा मेरे साथ है, ये हमें टेक केयर कर रहा है यहाँ पर, और बस हम अपना एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। तो चलते हैं आगे मजीद ब्लॉग की जाने, थोड़ा सा अंदर से ना एंग्रीनेस वाला फीलिंग आ रही थी मुझे, तो आगे बढ़ते हैं। भाई अगर तुम इस चक्कर में, तो मैं तुम्हें यहाँ कोई ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाऊँगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस फिलहाल सनसेट देख लो, सनसेट अच्छा है, सनसेट दिखा सकता हूँ, और बाकी चीज़ें ऐसी कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से काट दूँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं दिखानी। खैर हम चलते हैं फिलहाल, रश बहुत ज़्यादा है, दिन भी ऐसा है, तो लेट्स सी।
ये कुछ वाटर एक्टिविटीज़ हैं। इस तरीके से चीले वीले उड़ लिए। भाई ये सिनेरियो है यहाँ पे जो है ना लाइव पबजी देख रहे हैं आप, वो रेडी हो गए हैं वो, ये इन्होंने मास्क रखे हुए हैं यहाँ पे, लाइफ जैकेट रखी हुई है सेविंग के लिए, और वो जाते हैं वहाँ पर और इन्होंने पहन लिया अपना कैप, ये कैप पहनने के बाद लाइफ जैकेट पहनने के बाद अंदर जाएंगे और ये अंदर जो है वो फायरिंग शुरू होगी, जिसके दो तीन पॉइंट कुछ लगेंगे तो उसके बाद इनका सिलसिला ख़त्म होगा। तो ये लाइव पबजी का सेटअप है, देख रहे हैं आप लोग रेडी हो गए। तो आप चलते हैं आगे और आपको बोटिंग दिखाएंगे कि यहाँ पर राइडिंग भी दिखाते हैं अभी ना, आगे चलते हैं, राइडिंग वाला माहौल अभी चलने वाला। ये यहाँ पर जो है ये अभी बंदों ने ठोक दी एक, सो ये वाली गाड़ियाँ रखी हैं उन्होंने, गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त बड़ी जानदार गाड़ियाँ। ये कीप काम एंड रिलैक्स, ये वहाँ से जहाँ से लोग मिल रहे हैं ना वहाँ चल के दिखाते हैं भाई। अभी रुकने के बाद जो है 600 नायरा की एक स्प्राइट 600 नायरा की। मैं थोड़ा सा थक गया था वॉक करते करते तो मैंने बोला स्प्राइट ले लूँ, इस तरीके का बार बना हुआ है और जो है वो 600 नायरा की एक स्प्राइट पी रहा हूँ मैं और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे 600 नायरा की। और ये सामने ना बिल्कुल मैं राइडिंग के लिए रुका था, ये देखें ये ना यहाँ पे राइडिंग का सुरता, डेजर्ट राइडिंग होती है ना, डेजर्ट राइडिंग हो रही है, मैं इसलिए यहाँ रुका था थोड़ी देर के लिए। और जो राइडिंग के जो है ना ये थोड़ा सा बहुत ये छोटा सा ये नज़र आ रहा है आपको, ये इतना सा राउंड जो है वो 6000 नायरा 6000 नायरा अ वेरी स्मॉल राउंड। सो भाई जितना हमारा घूमना था हमने वो घूमा और अपने हैंड से जितना हम शो कर सकते थे वो हमने शो किया। और अब जो प्लान है ना वो ये हो गया यार, बीचेस घूम घूम के ना बीचेस, वही एक सेम फीलिंग तकरीबन आती है। और फिर यहाँ जो है वो बंदा क्या करे, मतलब यहाँ पर देखे तो देखे क्या, यहाँ देखने के लिए कुछ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, बट द सिनेरियो इज़ इट्स डिपेंड ऑन द पीपल। सो पीपल बहुत, मैंने कि बहुत हंसमुख लोग हैं यहाँ पर, बहुत मज़े के लोग हैं, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बाकी तो बहुत अच्छा है, इन्जॉयमेंट है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सनसेट आपको नज़र आ रहा है, खूबसूरत सनसेट और बीच का सनसेट आपको पता है कैसा। ओके सो फाइनली जो बीच में घूम सकता था जितना घूम सकता था मैं वहाँ घूमा, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं पूरी तरीके से एक्सप्लोर करूं इस बीच को, और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी थी और बहुत सारी चीज़ें बहुत ऐसी भी थी जो हम नहीं दिखा सकते तो वो हम क्रॉप कर लेंगे। फर्दर मोर जो है वो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई मिलोक एंड थैंक यू नाइजीरिया, थैंक यू नाइजीरियन पीपल, यू आर लविंग
वेरी लवली पीपल, वेरी काइंड पीपल, एंड थैंक यू सो मच नाइजीरिया फॉर गिविंग मी सो मच सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2-3 बीचेस और हैं वो मैं घुमाऊँगा इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर।